पिथौरागढ़ में कोरोना बम फूटा है। जिले में एक साथ 14 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जो मामले सामने आए हैं वे सभी प्रवासी हैं। इन प्रवासियों को क्वारंटीन किया गया था। 14 मामलों में से 11 पॉजिटिव केस गंगोलीहाट और 3 पिथौरागढ़ तहसील से हैं। इससे पहले भी जिले में 3 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। कुल मिलाकर जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 17 हो गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन करके ही कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। और उसका रैंडम सैंपलिंग हमने लिया था, तो दिमाग सेंटर में 12 तारीख से हमारा क्वारंटाइन फैसिलिटी। हमारे जनपद में जो 25,700 लोग अभी विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, उनका हम लोगों ने डेटा भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और सभी ग्राम प्रधानों के माध्यम से और तहसील प्रशासन के माध्यम से उन पर निगाह भी रख रहे हैं। तो हमारे सहयोगी मयंक हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। मयंक, जिस प्रकार से प्रवासियों में कोरोना के केस पाए गए हैं, प्रवासी तो पहले भी आ रहे थे लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लगातार जो प्रवासी हैं उनके अंदर जो कोरोना की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई जा रही है? जी, जो लगातार अभी प्रवासियों का आना शुरू हुआ है, जिले में करीब 25,000 से अधिक यहाँ प्रवासी पहुंच चुके हैं। तो इनमें से कुछ प्रवासियों में जो मंगलवार को यहाँ पे रिपोर्ट आई है तो उसमें 14 कोरोना पॉजिटिव आने से पूरे जिले में यहाँ सनसनी फैल गई है। लोगों में काफी दहशत का भी माहौल है और जिले में अब संक्रमित लोगों की संख्या कुल 17 हो चुकी है, जिन्हें यहाँ पे बेस अस्पताल में यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे जिला अस्पताल में वेंटिलेटर और ICU बेड में यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अगर उसके बाद अगर यहाँ इनकी तबीयत और खराब होती है तो इनको सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में ले जाने की व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन द्वारा की गई है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रवासी हैं ये मुंबई, जलंधर, चंडीगढ़ और दिल्ली विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे आए हुए थे, जिनको कोरोना पॉजिटिव केस इनमें पाए गए हैं। और इसके साथ ही इनकी बैक हिस्ट्री भी प्रशासन तलाश रहा है कि किन किन लोगों के संपर्क में ये लोग आए थे, जिसके बाद उन सभी को यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के लिए उनका जो टेस्ट है वो भेजा जाएगा। जी जी मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर बनने के लिए।